अंधे कत्ल का छपारा पुलिस ने किया खुलासा। 4 जनवरी को देर शाम छपारा थाना क्षेत्र के खैरनरा गांव में युवक का मिला था खून से लथपथ शव। मृतक युवक की पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की हत्या। हत्या के मामले में मृतक युवक की पत्नी और प्रेमी आरोपी गिरफ्तार। सिवनी एसपी राकेश कुमार सिंह ने किया खुलासा। 4 जनवरी को छपारा थाना क्षेत्र के खैरनरा गांव के पोतल पठार इलाके में एक पेड़ के नीचे युवक का शव खून से लथपथ मिला था। इस मामले पर छपारा पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी आरोपी को छपारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा यह है कि एक तो डेड बॉडी 4 तारीख की शाम को 5 बजे करीब पुलिस को सूचना मिली कि बोतल पठार जो खैरनरा गांव के अंतर्गत आता है वहां पे एक नीम के पेड़ के नीचे एक लाश पड़ी हुई है। प्रथम दृष्टया लाश को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी हत्या की गई है और बाद में समझ में भी आया उसकी हत्या की गई है। उसकी पहचान धर्म सिंह उइके के नाम से हुई जिसकी उम्र 30 साल है। इस संदर्भ में जो है मुकदमा तत्काल 302-201 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कायम करके विवेचना में लिया गया। पूछताछ में जो चीज़ें हुई थाना प्रभारी ने इसमें और एसडीओपी लखना धवन इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की। मेहनत करने के बाद इस एक व्यक्ति का नाम संदेही के रूप में आया जिसका नाम अन्नू गुप्ता है। अन्नू पिता धन्नूलाल गुप्ता उम्र 37 साल पोनार थाना अमरवाड़ा का रहने वाला है। तो ये सामने आया कि ये भी इसी के साथ था और इसका मृतक की पत्नी के साथ नाजायज संबंध थे। तो इस जब संज्ञान में आया तो बुलाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में सारी बातों को कबूल किया जिसमें उसने हत्या का घटना स्वतः करना बताया और घटना की संपूर्ण जानकारी संपूर्ण योजना में मृतक धर्म सिंह उइके की पत्नी महावती उइके भी शामिल थी। दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है।